दी ऐसे गाड़ी का पावर स्टीयरिंग जाम हो गया है, एबीएस का लाइट आ रहा है, इसी नहीं चल रहा है। चलो दोस्तों इसको आज चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। दोस्तों आप देख रहे हो कि एबीएस की लाइट तो है गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा है, देखिए एसी में कूलिंग नहीं है बिल्कुल, कितना भी बड़ा उसमें कूलिंग नहीं आ रही है। 2018 फ्यूडिक वरना है, तो इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टीयरिंग जाम हो गया है, तो दो हाथ से स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है, स्टीयरिंग जाम हो गया, एबीएस का प्रॉब्लम है। और गाड़ी में एक ईपीएस का लाइट भी आ रहा है, ठीक है। तो आज हमको इसको चेक करना है, गाड़ी को कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है। एबीएस का लाइट कस्टमर बोल रहा है कि पहले से ही था, मतलब एबीएस में प्रॉब्लम है ही। हमको देखना है कि स्टीयरिंग और एसी का प्रॉब्लम क्यों आ गया। जैसे आप देख रहे हो कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीएम में P0501 व्हीकल स्पीड सेंसर ए रेंज परफॉर्मेंस प्रेजेंट में आ रहा है। एबीएस में कोड आ रहा है व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट राइट हैंड ओपन एंड शॉर्ट, व्हील स्पीड सेंसर रियर लेफ्ट हैंड ओपन एंड शॉर्ट, मतलब फ्रंट राइट हैंड बोले तो ड्राइवर साइड के आगे का और पीछे का है, स्टैंड साइड का मतलब इनर साइड के पीछे का है। फिर एसी में कोड आ रहा है व्हीकल स्पीड सेंसर फॉल्टी कैन सिग्नल, ठीक है। फिर एक टायर प्रेशर मॉनिटराइजिंग का एक टीपीएमएस का कोड आ रहा है। फिर वापस टीपीएस में एक आ रहा है इनवैलिड व्हीकल स्पीड, देता हूँ इसका एक छोटा सा रिपोर्ट बना लेता हूँ, रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी रहता है। ये देखो ये ऑलमोस्ट इतने कोड आ रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोड आ रहे हैं, 7 कोड पे हमको काम करना है। कस्टमर का प्रॉब्लम है मेरा स्टीयरिंग जाम हो गया और एसी नहीं चल रहा है, तो चलो इसको चेक करते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वायरिंग कटा हुआ है, एक दो जगह पे थोड़ा थोड़ा चूहे ने पिंच किया हुआ है, ठीक है। फिर इसको भी हमने चेक किया है फ्यूज बॉक्स के नीचे, तो ओके है। तो फाइनली इसमें एक प्रॉब्लम हमको मिला है, ये ब्रेक ऑयल के टैंक के नीचे जो एबीएस का वायरिंग है ये खाया हुआ है चूहे ने, ठीक है। तो इसको अभी रिपेयर करते हैं हम लोग, और रिपेयर करने के बाद इसको देखते हैं कि पावर स्टीयरिंग और एसी ऑन होता है क्या, और आपको बता दे क्या प्रॉब्लम है। तब तक पीछे का भी खोल लेते हैं और पीछे का भी दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इसमें ये रियर लेफ्ट का सेंसर अभी भी खराब है, उसके वजह से एबीएस का लाइट आ रहा है। बाकी प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया, पकड़ो भाई साहब, प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया, गाड़ी चल रही है, स्टीयरिंग फ्री हो गया, एसी ऑन हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम क्यों आया, तो इसकी वजह है कि राइट साइड का एबीएस का वायरिंग जब खाया था, राइट साइड के एबीएस का वायरिंग खाया वो टाइम पे कैन कम्युनिकेशन का एरर आ गया। कैन कम्युनिकेशन के एरर में अपडेटेड गाड़ियों में ESP आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। जैसे कैन कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम आता है तो तुमको गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, एसी बंद हो जाएगा ताकि गाड़ी सेफ मोड में चली जाती है, इनडायरेक्टली गाड़ी सेफ मोड में जाएगी। स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा तो गाड़ी कोई चलाएगा नहीं, एसी बंद हो जाएगा तो गाड़ी कोई चलाएगा नहीं। तो इसमें यह अपडेशन है हुंडई में कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम कंट्रोल फिट किया हुआ है, इसके वजह से कैन कम्युनिकेशन में एरर आने के वजह से व्हील स्पीड सेंसर को व्हील स्पीड सेंसर का स्पीड स्टीयरिंग एंगल को मिल नहीं रहा था कैन कम्युनिकेशन एरर के वजह से, उसी के वजह से स्टीयरिंग जाम हो गया था, उसी के वजह से एसी चल नहीं रही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको एक सीख मिली रहेगी, हुंडई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम राइट साइड का व्हील स्पीड सेंसर के वायरिंग कट ऑफ में आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।